देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आज जो गैर इस्लामी मुआशरा है वो निकाह का दुश्मन बना हुआ है, यानी निकाह से हटकर औरतों के साथ हर तरह के खेलवाड़ को जायज समझता है। यानी जना के नाम पर कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी औरतों के साथ जना करे, अब उसको अलग अलग नाम दे दे, लव नाम दे, प्यार नाम दे, रिलेशनशिप नाम दे, कोई भी नाम दे कि उस वहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। अब चार औरतों से अगर कोई शादी कर ले तो उसको एतराज होता है, लेकिन जना के नाम पर कोई लिमिट नहीं है। चार नहीं, 40 से भी ताल्लुक बना के रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जंगल में जो जानवरों की जिंदगी होती है, वो जिंदगी, वो सूरत हाल पैदा हो जाती है खवातीन के साथ। जंगल में कोई नर जानवर है, मादा जानवर के साथ सेक्स करता, भाग जाता। अब बच्चों के पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी मादा जानवर की होती है। वही सूरत हाल इंसानों के साथ है कि एक आदमी खिलवाड़ करना चाहता है औरतों के साथ, उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ सेक्स करता है, बाद में बच्चे होते हैं, उस पालने पोसने की सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। इसको कुछ भी देखना नहीं। जबकि इस्लाम क्या कहता है कि अगर आप किसी औरत को अपने साथ रखना चाहते हो तो उसके सारे अखराजात तुम्हारे जिम्मे हैं। बच्चों का नाम भी तुम्हारे नाम से जुड़ेगा, बच्चों का नाम भी जुड़ेगा, बच्चों की परवरिश की, देखभाल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस जिम्मेदारी से लोगों को चिढ़े, एतराज सिर्फ इसी बात पे कि निकाह के बंधन में क्यों जोड़ा जा रहा है, और निकाह से हटा के आज़ादी के साथ किसी औरत के साथ उठने बैठने दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि मर्द अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है। इस्लाम क्या कह रहा है? इस्लाम निकाह के बंधन में बांध के कहता है कि तुम औरतों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो जो जायज़ तरीके से, उसमें सारी जिम्मेदारी तुम निभाओ। लेकिन दुनिया क्या करी कि निकाह को एक तरफ करो और जो मर्जी तुम आज़ादी के साथ जो करना चाहो, इसमें सारा नुकसान खवातीन का अगर वो संजीदगी से गौर करें तो।